जनपद में शुक्रवार को 182 केंद्रों पर रिकॉर्ड 66,027 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 57,511 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,515 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 182 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया गया है। सीएमओ ने बताया कि शुक्रवार को जनपद में 87,000 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 66,026 का वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ ने बताया कि जनपद में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि करीब अब तक 17,12,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें सेकेंड डोज भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 2,80,000 लोगों को सेकेंड डोज लगाया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ACMO नीरज पांडे और CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज कुल 167 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इसमें 160 सरकारी हैं और 7 प्राइवेट। सर, आज का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया? आज का लक्ष्य शासन ने हमें 83,800 का दिया है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। सर, जनता से क्या अपील करना है? जनता से अपील करना चाहूँगा कि बूथों पर अनावश्यक भीड़ न लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने, और सबसे ज़रूरी बात यह कि कोविड के दोनों टीके लगवाएं, दोनों डोज लगवाएं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि एक डोज लगवा लेने से आपको इम्यूनिटी मिल गई तो आपका सोचना गलत है, आपको दोनों डोज लगवाना चाहिए। जनपद में 182 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। आज बहुत ही बृहद राउंड चल रहा है और सरकार की मंशा है कि हमको टारगेट दिया है 87,000 का टारगेट, तो हम जो है 93 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सब जगह का वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। पिछले 2 बार हमने टारगेट से ज़्यादा वैक्सीनेशन किया था, आज भी हमारी टीम लगी हुई है और 90,000 के आसपास वैक्सीनेशन। सर, कल तक का रिपोर्ट था 17,00,000? हाँ, कल तक हम लोगों ने 17,12,000 डोजेज लगा चुके थे, जिसमें कि सेकेंड डोज भी शामिल है। सेकेंड डोज 2,80,000 तक लगा हुआ है। इधर सैटरडे को जो है सेकेंड डोज के लिए ही ज़्यादा हमेशा ज़्यादातर सेकेंड डोज लगाया जा रहा है, जिससे हमारा सेकेंड डोज जो है छूटा हुआ जो है। सर,
प्राइवेट अस्पतालों में भी लग रहा है वैक्सीनेशन? प्राइवेट अस्पताल में 7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो सब मिला करके हमारा 1,82,000।